मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही तीसरा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। पुराणों के आधार पर इस ज्योतिर्लिंग को 12.5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है। यह विश्व में एकमात्र ऐसा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग है जो दो भागों में बटा है। एक भाग जो कि 7 से 8 फुट का है, वह शिव का प्रतीक है, और दूसरा भाग 5 से 6 फुट का है, जो कि माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस शिवलिंग की एक खासियत और भी है, वह यह है कि इस शिवलिंग का आधा भाग काले और आधा भाग गौर वर्ण यानी हल्के सफेद रंग का है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के एक साथ विराजमान होने का प्रतीक है। मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव का यह पाषाण रूप एक हो जाता है, इसीलिए यह अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व विख्यात है, जिसमें शिव और पार्वती का अनूठा मेल देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर चमत्कारिक रूप से प्रतिवर्ष माघ मास एवं कार्तिक मास में भगवान सूर्य स्वयं अपनी किरणों से इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। साथ ही एक और चमत्कारी घटना यहाँ देखने को मिलती है, और वह यह है कि इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में सर्प यानी कि सांप के आकार में सर्पा नदी बहती है, जिस नदी में एक कुंड भी है जो कि शिवलिंग के ही आकार का है, जहां से जल लेकर भक्त शिव जी का रुद्राभिषेक करवाते हैं। साथ ही मान्यता है कि सर्प के आकार की सर्पा नदी होने की वजह से यहाँ काल सर्प दोष निवारण पूजा से बहुत अधिक लाभ मिलता है। पौराणिक मान्यता अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी इसी सर्पा नदी के तट पर तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। भगवान यहाँ पर उनकी इच्छा अनुसार अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, और माना जाता है तभी से यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। यहाँ श्रावण मास और महाशिवरात्रि में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है, इस वजह से खास तौर पर यहाँ सावन के महीने में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए थे, और साथ ही अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ खास विशेषताएं और अद्भुत रहस्यों के बारे में भी आपने जाना। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक कर हमें अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद।